थोड़ी चेंज किए जैसे मैदा मैंने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है तो थोड़ा शुगर भी कम किया तो ऑब्वियसली वो दिखता है। बट थर्ड थिंग ऐसे जो कम्प्लीटली अचीवेबल है, यू नो, एक बेसिक टास्क हो सकता है आप सबके लिए टू अचीव व्हाट आई हैव अचीव्ड इज स्किन केयर रूटीन। बट मुझे सिर्फ मेरा स्किन केयर रूटीन आपको दिखाना नहीं था, मुझे एक्सप्लेन करना है कि मैं ये स्टेप क्यों करती हूँ एंड एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्यों यूज करती हूँ। बिकॉज देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, टू मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट यूज करने वो आपको कैसे पता चलेगा। वन इज टू अंडरस्टैंड योर स्किन कंसर्न्स एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली लिसनिंग टू द रिव्यूज। तो आज की वीडियो में मेरा समर स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो बहुत वैल्यूएबल और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट। मेरे स्किन केयर रूटीन का स्टेप नंबर वन होता है एक फेस वॉश, जो आई थिंक सबके लिए कॉमन होता है। नाउ मैं यूज करती हूँ ब्रिलेयर का नीम पाउडर फेस वॉश एंड नीम इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर एक्ने इश्यूज। नाउ मेरी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है, बट आई एम अ बार प्रकृति अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो मैं बहुत ज्यादा ड्राई हूं, इसलिए डैंड्रफ का इशू होता ही रहता है। एंड इफ यू सी मुझे सिर्फ फोरहेड्स पे एक्ने आते हैं या यहाँ पे एक्ने आते हैं एंड ऐसे बम्स वम्स आते हैं। आई एम नॉट एक्ने प्रोन, इसलिए मुझे सैलिसिलिक एसिड या प्रॉपर एक सीरम लाइक अ ट्रीटमेंट नहीं इंक्लूड करना है मेरे स्किन केयर रूटीन में, मुझे जरूरत नहीं है। बट आई वॉन्ट टू फाइंड द अननेसेसरी एक्ने रहता है, एंड दैट्स द रीजन आई यूज अ नीम फेस वॉश। नाउ व्हाई ब्रिलेयर का, क्योंकि आप अभी अगर भी गूगल करोगे नीम फेस वॉश देखना और उसकी इंग्रीडियंट लिस्ट देखना, नीम फेस वॉश में नीम 10%, ये क्या लॉजिक हुआ रहा है, इट जस्ट डजंट वर्क आउट फॉर मी एंड इसीलिए आई गो अहेड विद ब्रिलेयर। ब्रिलेयर इज अ ब्रांड जो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है। वन एंड सेकंड के नीम फेस वॉश में 75% नीम है। नाउ ये पाउडर फॉर्मेट में आता है, पानी लगते ही इमल्सिफाई होता है एंड फेस एकदम अच्छे से क्लीन होता है, पूरा जो गंदगी है वो तो क्लीन होती है बट आई गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्ने, क्योंकि वो बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन वगैरह उसको सबको आउट द वे रहता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको एक अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। बट अगर आपके एक्ने प्रोन भी नहीं है, अगर आपके यू नो जस्ट ऐसे नॉर्मली दो तीन एक्ने आते रहते हैं बिकॉज ऑफ पोर क्लॉगिंग, सन डैमेज, पोल्यूशन और ऑयली ईटिंग, आप डेफिनेटली एक ऐसा फेस वॉश यूज कर सकते हो जो सिर्फ आपको क्लीन नहीं करेगा बट एक प्रोटेक्शन लेयर भी देगा एंड फाइट भी देगा अगेंस्ट एक्ने। सेकेंड स्टेप मेरे स्किन केयर रूटीन का है एक टोनर एंड मैं एक फ्लोरल मिस्ट यूज करती हूँ फॉर माई टोनिंग पर्पसेज एंड दिस इज माई नाइट हैबिट। नाउ मेरा दो बिगेस्ट रीजन है इसे यूज करने का, वन इज डेफिनेटली रिफ्रेशमेंट। समर्स बहुत ज्यादा स्वेटी, स्टिंकी एंड यू नो ऐसे ग्रीसी हो जाता है, तो एक फ्रेशनेस आ जाता है फॉर माई डे, सो डेफिनेटली दिस इज देयर। एंड सेकेंड ऑयल कंट्रोल भी करता है। नाउ आई हैव अ ऑयली टी जोन, मुझे ना ऑयली लाइक ग्लोइंग स्किन अच्छी लगती है। इफ यू सी माई मेकअप और इफ यू सी माई स्किन केयर, अभी देखो बेस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बट माई स्किन इज ग्लोइंग एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बट मेरी स्किन ऑयली नहीं है, लाइक इफ यू सी इट्स नॉट ऑयली एट ऑल, ठीक है। तो दैट्स द रीजन आई यूज दिस मिस्ट, क्योंकि ऑयल कंट्रोल देती है एंड ऑफकोर्स बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, बट मैं इसे ऑयल कंट्रोल के लिए यूज करती हूँ एंड दिस इज बाय नैट हैबिट। अगेन आई लव दिस ब्रांड, 100% नेचुरल, कंप्लीटली आयुर्वेदिक, ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। ये इनका मोगरा वर्जन है, इनके पास बहुत वर्जन है, लैवेंडर इज ऑल्सो समथिंग आई रियली 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 लाइक। तो ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है एंड अगर आपको पोर्स का प्रॉब्लम है ना, तो ये तो आप डेफिनेटली यूज करना, इट जस्ट मेक्स योर स्किन इवन एंड यू नो नॉन ऑयली एंड जस्ट कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड जस्ट मेक्स यू फुल सुपर 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 रिफ्रेश। एंड ऑफकोर्स मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हाइलुरोनिक एसिड सीरम होता है। अगर आपको पता नहीं हो तो लेट मी टेल यू दैट हाइलुरोनिक एसिड वर्क्स बेस्ट जब आपकी स्किन थोड़ी गीली हो, तो मैं ये मानने के बाद थोड़ा उसको सोक कर देती हूँ, गीले स्किन पे फिर हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ, तो इसीलिए मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड स्टेप है हाइलुरोनिक एसिड सीरम एंड मेरे पास दो ऑप्शन है, एक फॉर विंटर एंड एक फॉर समर। ये तो अभी जस्ट खाली हो गई, सो आई गॉट बैक टू माई समर वन। तो फॉर विंटर आई यूज ब्रिलेयर हाइलुरोनिक एसिड, विंटर्स रेंज में मैं ये यूज करती हूँ क्योंकि थोड़ा थिक है एंड फॉर समर आई स्विच टू सुगंधा बिकॉज ये थोड़ा सा पतला है। बोथ ऑफ देम हैव 2% हाइलुरोनिक एसिड, बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग। मेरा स्किन केयर गोल ना लॉन्ग टर्म गोल भी है, मैं सिर्फ आज के लिए काम नहीं करती हूँ, 10 साल 20 साल 30 साल का भी देखती हूँ एंड माई बिगेस्ट गोल इज आई वॉन्ट टू एज ग्रेसफुली। ड्राई स्किन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ गेटिंग रिंकल। आप देखोगे 30 इयर्स पे 25 इयर्स पे लोगों को रिंकल आते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्किन ड्राई हो रही है, नॉट गिविंग इनफ मॉइस्चराइजेशन। एंड इसीलिए आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू टेक अ हाइलुरोनिक
hyaluronic acid if you don't want wrinkles and all of that. Now Sugandha EQ, because ये बहुत ही अच्छा प्यारा formulation है. First thing, it's non greasy, easily absorb हो जाता है, सिर्फ 5-6 drop की जरूरत होती है, your face is done. Second, इसके जो ingredient है वो सबसे अच्छे हैं. एक तो इसमें hyaluronic acid है तो instant refreshment आ जाते हैं. Second, इसमें panthenol भी है तो वो जो dryness है वो निकाल देता है. Third, इसमें collagen oat है जो इन स्किन को इसे काम करता है एंड रेडनेस वगैरह पे काम करता है. लास्टली इसमें सीका भी है तो थोड़ा नरिशमेंट है. सो ओवरऑल जो मेरा लाइफ लॉन्ग गोल है ना कि मुझे रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं चाहिए, मुझे मिलने का भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. इसमें भी 2% ही है, कम्प्लीटली नेचुरल है. आई लव दिस वन, बट ये थोड़ा सा थिक हो जाता है फॉर मी इन समर, इसीलिए मैं इसे विंटर्स या रेनी सीजन में प्रेफर करती हूँ. अगेन लव दिस वन ऑल्सो. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली ये इमोजी डालो सो दैट आई नो You are with me. अब next step तो आपने guess कर ही ली होगी, that is a moisturization. I think hyaluronic acid के बाद सबको पता था you have to moisturize your face. And for moisturization मैं दो चीजें use करती हूँ, one is for night and one is for day. For day I go ahead with this Dot & K का strawberry stroke cream. And क्यों आप बोलोगे कि strawberry stroke cream नहीं नहीं इसके ingredients काफी अच्छे, इसमें panthenol, niacinamide है तो skin के moisturization वगैरह पे भी ये काम करता है. But ये बहुत lightweight है, बहुत non greasy है, बिल्कुल चिप चिप नहीं रहता, but at the same time बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है मेरे फेस को. स्पेशली फॉर समर आई गो अहेड विद दिस बिकॉज ऑफ द लाइट वेटनेस एंड द ग्लो इट ब्रिंग्स. एंड एएम में कैसे आई एम शूटिंग और आई एम गोइंग आउट तो थोड़ा मेकअप वेकअप पड़ता है, राइट? तो मेकअप के लिए वो एकदम ग्लोइंग लगता है. इफ आई एम नॉट लाइक अभी टुडे आई डोंट हैव फाउंडेशन कॉम्पैक्ट और एनीथिंग ऑन माय फेस, बट यू सी माय स्किन इज ग्लोइंग एंड आई लव दैट ग्लो जो मुझे देता है. एंड फॉर नाइट मैं नैट हैबिट का ये मलाई क्रीम कभी भी स्टॉप नहीं करने वाली यूज करने के लिए. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट एंड ये मैं रात को लगाती हूँ बिकॉज थोड़ा ठीक है. जैसे मैंने कहा इसमें वॉश घी है तो एकदम स्किन रीजनरेट होती है और रिपेयर होती है. इसमें रॉ मिल्क है तो विटामिन्स प्रोटीन मिल जाता है, मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है, ये सेल टर्नओवर को भी हेल्प करता है. इसमें कस्तूरी मंजन है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन से भी फाइट करता है, स्किन को लाइटन करता है. इसमें नटमेग ऑयल भी है तो पिगमेंटेशन को भी यू नो इट हेल्प्स ऑल एंड इट जस्ट क्लैरिफाइज माय एंटायर स्किन. इन एंड आउट प्रोडक्ट है, मतलब ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग नहीं करता बट ये पूरे स्किन को रिपेयर करता है. सो दिस इज फॉर नाइट टाइम एंड डॉट इन की स्ट्रॉबेरी फॉर द डे टाइम. नेक्स्ट स्टेप मेरी होती है फॉर माय लिप एंड इसके लिए मैं एक लिप बाम यूज करती हूँ. नाउ अगेन हम बाहर प्रकृति से, हम एक्सट्रीमली ड्राई एंड फ्लेकी विद माय लिप एंड दिस वन बाय अर्थ रिदम हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स ऑफ 2024. I will again never stop using it. क्या पता क्या बहुत सारे लिप बाम ना सिर्फ आपके लिप्स को इसे सॉफ्ट करते हैं, नरिश करते हैं, बट आई लिटरली हैव फ्लेकी लिप्स. तो कौन से भी लिप बाम मेरे लिए ना हीलिंग नहीं होते, वो प्रोटेक्ट नहीं करते, वो जो स्किन फटी है उसको बंद नहीं करते. मतलब लिनाश का जो डब्बा है वो इतना एक्सपेंसिव है, इतना हाइट है, बट वो भी मेरे लिए काम नहीं करता क्योंकि वो जब मैं नेक्स्ट डे उठती मेरी लिप्स एकदम सॉफ्ट होते हैं बट वो फ्लेकीनेस वही पे होता है. बट ये ऐसा नहीं है, इसमें ना डेड स्किन रिमूविंग भी है तो वो जो स्कैल्प जो फ्लेकीनेस है वो भी पूरा उसको निकाल देता है एंड फिर पेप्टाइड्स की वजह से लिप्स एकदम सॉफ्ट होते हैं. आई ट्रूली ट्रूली लव दिस, मतलब दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स. एंड ये ऐसे नहीं कि सिर्फ लिप मास्क है कि रात को लगा दी, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है तो दिन भर मैं इसे लगाती हूँ. ये तो लिप ग्लॉस भी मैं यूज करती हूँ, मतलब दिस इज जस्ट वन इन प्रोडक्ट एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग. एंड लास्ट स्टेप डेफिनेटली होनी चाहिए एक सनस्क्रीन एंड इसके लिए मैं यूज करती हूँ कॉन्शियस केमिस्ट का सनस्क्रीन. और कॉन्शियस केमिस्ट एक ऐसा ब्रांड है जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया इन शार्क टैंक एंड उसको मैंने इसका जो येलो वर्जन है वो मैं लेके गई थी हम्पी को एंड सी हम्पी के बिफोर एंड आफ्टर. इतना सा भी टैन नहीं हुआ, इतना सा भी नहीं, और मैं कितना ज्यादा घूमी हूँ, मैं इतना ज्यादा घूमी फिर भी नॉट अ सिंगल परसेंट ऑफ टैन. एंड एट द सेम टाइम विदाउट फाउंडेशन, विदाउट कंसीलर, विदाउट पाउडर माई स्किन लुक सो नाइस, सो सफल, सो ग्लोइंग. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस केमिस्ट. आई बिकेम अ फैन ऑफ इट एंड जैसे मैंने इसका पर्पल वर्जन देखा आई लाइक आई वॉन्ट टू हैव इट बिकॉज ये एक वाटर रेजिस्टेंट एंड ये जेल बेस्ड है तो आई फेल्ट कि समर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. जैसे मैंने कहा ये जेल बेस्ड है तो डेफिनेटली नॉन ग्रीजी है, एकदम क्विकली अब्सॉर्ब होता है एंड वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता. एंड एट द सेम टाइम ये SPF 50 है विद PA++++ तो इनसेन प्रोटेक्शन देते हैं. जैसे मैंने कहा हम्पी के वजह से आई अंडरस्टूड दैट एक ऐसा सनस्क्रीन है जो बिल्कुल मतलब इट्स जस्ट वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट एंड आई जस्ट लव इट. इट स्मेल्स आल्सो सो नाइस, इट्स द बेरी वर्जन एंड
Just look at my skin, it just looks so nice with this. And lastly, for my body, मैं use करती हूँ Kevistin Play का body lotion. Again, if you're my OG subscriber, you know how much I love it. इसमें ना hyaluronic acid है, तो एकदम skin moisturize हो जाती है, एकदम soft हो जाती है. But at the same time, इसमें polyglutamic acid है, जो एक नया ingredient है comparing to hyaluronic acid, है उससे 100 times potent होता है. तो skin इतनी soft होती है, इतनी supple होती है, I cannot even tell you. ये बहुत intensely hydrate करता है and it's perfect for summer people, से बिल्कुल भी greasy नहीं है. बहुत easily आपकी skin में penetrate हो जाता है and it just makes it so soft. मतलब अगर मैं इसे सुबह नहाने के बाद लगाऊं, I'd have to directly apply it the next day. ऐसे भी नहीं कि मुझे इसको रात को वगैरह लगाने की जरूरत होती है. I really like this one. Smell भी बहुत प्यारा है. The feeling and all of that. Love it. And I have a bath. I have a dry skin problem, ठीक है? So when I say things about moisturizers, you should definitely take me seriously on that. और बस इसी तरह हम आ गए the end of this video. इस video का shout out जाता है to Arya O. Thank you so much Arya, आपने मुझे इतना प्यार दिया और इस channel को इतना support किया. अगर आपको next shout out का part बनना है तो ज़रा कुछ नहीं करने, बस नीचे comment करने. By the way, सारे products मैंने Amazon से लिए हैं. I really like to shop on Amazon because सारे products, सारे brands एक ही umbrella के नीचे मिल जाते हैं. Plus Amazon का जो delivery time है वो बहुत सही होता है. Exchange return भी सही होता है. सारे products भी authentic मिल जाते हैं. And discounts तो एकदम सही से मिल जाते हैं. So yeah, सारे links मैंने description में दिए गए हैं. And yeah, thank you for watching. I love you.